नेक्स्ट चूड़ी भी पहनेंगी जो पहनना चाहे, येलो ग्रीन। कुछ बोल ली है देखो भाई, थोड़ी थोड़ी पहने हैं ना तभी सबको आ पाएंगी। मैं एक ही हाथ में डाल लूं अपने कड़े के बीच, कड़े के बीच में साइज पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अरे यार ये तो बड़ी है, पहन लूं कोई बात नहीं, कड़ा नहीं निकलने देगा ना। अबे मेरे कड़े तो छुप ही गए, चलो कोई नहीं तुम भी डालो। ये तो बंद थी, चाट पी समोसे खा लो, कचौड़ी खा लो। मायरा मायरा ग्रीन भी लेनी है दोनों? नहीं अभी से मर्जी, तुम मिक्स करके ले लो ना, इधर सामने तक मिक्स कर लो, कर लो और क्या। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये ब्यूटीफुल लिप शेड जो कि है फेसेस कनाडा के, और ये मुझे रिसीव हुए थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ, बिकॉज बहुत ही प्यारी लिपस्टिक्स। पैकेजिंग देख लो इसकी आप, ऊपर से गोल्डन कलर का कैप है, नीचे ट्रांसपेरेंट आपको बॉटल मिल रही है जिससे आप अच्छे से अपना कलर शेड देख सकते हैं, और नीचे भी यह मेंशन करा हुआ है। तो मेरा जो फर्स्ट शेड है वो है टी पिलर 06, और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ। इसका एप्लीकेटर देखो कितना प्यारा है, और ये है हमारा कलर। गाइस इतनी प्यारी लिपस्टिक्स हैं ये, इतनी सुंदर, और इसकी एप्लीकेशन, इसकी पिगमेंटेशन, इसका फॉर्मूला सब कुछ देख लो आप। ये है मेरा फर्स्ट शेड, एंड सेकेंड शेड जो है मेरा वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा डार्क है बट ये बहुत ही प्यारा शेड है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क है, मेरून गोल्डन कुछ ब्राउन शेड में है ये। और अगेन एप्लीकेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो इस तरह के एप्लीकेटर होते हैं उनसे बहुत इजीली लिपस्टिक अप्लाई हो जाती है। और सेकंड शेड मेरा है ये, ये देखो तो ये है सेकंड शेड। और थर्ड और जो लास्ट शेड है वो मायरा मुझे दे नहीं रही है, बट ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप लोगों को पता है इस तरह के शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये तो मेरा फेवरेट शेड है, बट ये दोनों शेड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये है ये तीनों लिपस्टिक, जिसमें एक का शेड है टी स्पिलर 06, सेकंड शेड है मेरा ग्रामर नाजी 12, और थर्ड शेड है मेरा फिलर फ्रीक 11 जो कि है ये। तो ये तीनों लिपस्टिक्स आपको इजीली अवेलेबल है पर्पल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनके और इनके शेड के भी, और आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं इफ यू लाइक इट। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है लिपस्टिक्स, आप देख लो कितनी प्यारी लग रही है। और चलो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं हम कर लेंगे। मेरे को भी तो नहीं मिला, नहीं मिला, चलो रहने दो बाद में देखते हैं, ज्यादा नहीं लगाऊंगी ना। बस ज्यादा नहीं, जाओ ठीक है ना इफ्रा, ज्यादा नहीं लगा रही भर जाएगा, एक रख लेते हैं उसके लिए मेहंदी के लिए। हमारी तो हो गई है, अब आप खिंचो इतने, तुम चली जाओ कोई बात नहीं। इफ्रा की शादी करवाओ, कलीरे तो ऐसे मायरा पे गिर गए थे, फेस नहीं आ रहा, हल्का सा नीचे।
स्माइलिंग फेस, नहीं इधर देखेंगे सर, आप कुछ ऐसे कर दो ना नीचे से। यस परफेक्ट। लगड़ लगड़ के लगा दो इसको। मेकअप ऐसे भी खराब होना है। सारी उठा लो, क्या बचा चेहरे पे? कुछ बचा? आप मीठा खिलाओ, आंखों पे बस, सब तो बिक गया। बेस कहाँ से? हाँ ऐसे हाथ अंगली रख लो, हाँ बस ठीक है। उधर बैग में सो गई थी, मेरी गोद में ही थी पूरे टाइम, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं करा। और सायमा अभी अपनी हल्दी साफ कर रही है। फोन आ गया शायद डोमिनोज वाले का, और मैंने मायरा के लिए पास्ता ऑर्डर करा, बिकॉज थोड़ा स्पाइसी है खाना, तो मैंने व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर कर लिया मायरा के लिए। व्हाइट सॉस में मैंने उसको फीड करवा दिया है, और अब हम रेडी होंगे मेहंदी के लिए। तो मेरे को आउटफिट चेंज करना है अपना, मैं जा रही हूँ अपना आउटफिट चेंज करने मेहंदी के लिए। और इफ्रा ने चेंज कर लिया है, रुखसार भी आ गई, वो बैठी हुई। रुखसार तो आज उस वाले गाने पे डांस करेगी, दूल्हे की साली ओ हरे दुपट्टे वाले। गाइज हम रेडी हो गए हैं, मैं मायरा को खिलवा रही थी और उसका डायपर चेंज कर रही थी, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर। मैं और मायरा लगवानी है मेहंदी, और उसके लिए मैं मायरा को छोड़ने जा रही हूँ। दीपू को मैंने बुलवा लिया है, और दीपू आ रहे हैं मायरा को लेने। और मैं नीचे आए, मारेंगे। नहीं, मेरे को गली के बाहर तक ही जाना है बिना उसके। तो मैं मायरा को छोड़कर जा छोड़ने जा रही हूँ। मैं मायरा को बहुत मिस करूँगी। आई लव यू मेरा बच्चा, मिस यू। मायरा जा रही हूँ, मायरा को बहुत मिस करूँगी। बस मैं 2 घंटे बाद आ रही हूँ फटाफट से मेहंदी लगवा के। मैंने मायरा को पिज्ज़ा भी खिलवा दिया था, पास्ता भी खिलवा दिया। घर जाके अच्छे से दूध पी लेगी, कुछ खा लेगी। यहाँ पर वो चीज़ें उठा रही थी ना, फूल वूल, तो मुझे अजीब लग रहा था। मुझे इसको गोद में लेके सब कुछ करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने दीपू को बुलाया। दीपू आ गया, डेरा आ गई, चलो जाओ।
मायरा चली गई है दीपू के साथ और मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ, बट मेरे को एट द सेम टाइम मुझे मायरा की याद भी आएगी बीच बीच में, क्योंकि इतने टाइम से मेरे साथ थी। बट अब मैं ये रिलैक्स है कि हाँ मायरा नहीं है तो ज़्यादा मैं सोच रही यार इयर रिंग्स निकाल दो, कान बहुत दुख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ जूड़ा बांध बांध लो लिफ्ट वाह। बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मेरी मेहंदी तो भाई इफरा लगा रही मेहंदी वाले भैया भी बहुत बिजी है, अच्छी लग रही है ना। गाइज मैं निकल रही हूँ और खाना लेके जा रही हूँ, घर जाके होंगी बिकॉज मेरी मेहंदी थोड़ी सी गीली है और मुझे छोड़ने जा रहा है फहीम। इफ्रा भी अभी अभी निकली है फहीम जोन और चलो घर। मैं आ गई हूँ मायरा के पास, मम्मा को मिस करा और मायरा एक्साइटेड हो रही है मेहंदी देख के। मैंने मायरा का नाम लिखा है, ये रहा मायरा का नाम यहाँ पर और यहाँ पे दीपू का नाम, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन। मेरे लखन से मिलने ये देखो मायरा ने मेरे कड़े पहन रखे गोल के, डेंट पड़ जाएगा, दो इधर दे दो मायरा, दे दो ना बेटा। तो गाइस मैंने अपना मेकअप निकाल लिया और पीछे मायरा खेल रही है और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरा इंस्टा का। फास्ट फूड बोर्ड बिकॉज बहुत लेट हो गया 11:30 हो रहे हैं। सो या गाइस अब मैं जा रही हूं सोने, कल नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय बाय।